एक्नी पे साहिर भाई दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगा जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले एक पे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो अगर वो रेगुलरली प्रेस करें तो उससे उनका एक्नी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कहाँ पर है? जी जी मैं बताने लगा, उसमें थर्ड आई जो है ये जो थर्ड आई है यहाँ पे, ये आपके आईब्रोज के सेंटर में ये पॉइंट है, यस okay. इसको अगर आप रेगुलरली प्रेस करेंगे उनके 30-30 सेकंड्स के लिए, यस सर्कल करें, थोड़ा करें, थोड़ा प्रेस करें okay. ये जो थर्ड आई है ये एक एक्नी के लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट, याद रखिए अपने ही करना है किसी और के नहीं करना, पता चले कोई सब मिल गया आपको अपने उठा के करना शुरू कर दिया, अपने करना ही थर्ड आई पे ऐसे करके। दूसरा जो आपका उनकी कान है इसका ये लोअर पार्ट जो है इसको आपने प्रेस करना है, ये इसके दो बेनिफिट्स हैं जी, एक तो एक्नी के लिए प्लस जो आपकी जो मेमोरी की डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी होती है और मेमोरी इनहेंस होती है, ये बहुत ही जबरदस्त, यस यस तो मैं बोलूं, मैं भूलता क्यों नहीं, लोअर मास्टरों ने बड़ा करवाया मुझसे बचपन के अंदर, इसके टीचर्स करते हैं डेफिनेटली, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है टीसीएम में ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में जो आपका कान है इसके जरिए पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट हो सकता है प्रॉपरली। और दूसरा जो एक्नी का कॉल लेते हैं, एक्नी का तो बता दिया आपने लेकिन इसका भी बड़ा कमाल है ना ये और अपने ही करना है, याद रखिए सिर्फ पूरी बॉडी आपकी है। टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मैं इसरा बात कर रही हूँ, मेरा एक सवाल है जी। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे सर्दी का मौसम है, मेरी स्किन ड्राई है लेकिन मैं जैसे बात निकलती हूँ या कुछ थोड़ी आती है तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा मेरे तरह से यूज करने के बाद भी डल हो जाती है, मुझे सिर्फ इतना है कि सर्दियों के मौसम में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और डल हो जाती है, यही कह रही हैं आप? बिल्कुल भी ऐसे ही नहीं, क्या करूँ? ओके जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप जरूर सुनिएगा, मैं जवाब तीनों से पूछूंगा। डॉक्टर साहब आपसे शुरू से ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, वी बी राइट बैक। वंस अगेन कम बैक जी, क्या कहती हैं डॉक्टर साहब, उनकी ड्राई स्किन है सर्दियों के अंदर एंड चाप हो जाती है, फट जाती है, तो क्या करना चाहिए? जी अभी हम इस पर ही बात कर रहे थे कि ड्राई स्किन के लिए एक तो चेहरा बहुत साबुन से नहीं धोना और दूसरा ये कि ऐसी मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने हैं जिसमें सेरामाइड, हाइलुरोनिक एसिड या नाइसिनामाइड हो, और दूसरी चीज़ कि ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, ग्लिसरीन इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर अवेलेबल जो कि बिल्कुल सस्ता सा भी मिलता है और इसका एक टोटका जो है वो बहुत मशहूर है और इट्स वेरी इफेक्टिव एज वेल। उसमें है कि ग्लिसरीन आपने लेना है, हाफ ग्लिसरीन लें और हाफ जो है वो अर्के गुलाब ले लें और उसमें आप लेमन यूज़ कर भी सकते हैं और बगैर लेमन के भी यूज़ कर सकते हैं, उसको बस शेक करके एक बॉटल में रख लें स्प्रे वाली और उसे सुबह शाम स्प्रे करें। सीरियसली उससे एक तो मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा रहता है आपकी स्किन और आपको कोई महंगे मॉइस्चराइजर्स लेने की जरूरत नहीं। अर्के गुलाब और ग्लिसरीन ये आप मिला लें, मतलब अगर आपने 20 ग्राम ग्लिसरीन लिए तो 20 ग्राम अर्के गुलाब लें, उसको उससे करें, स्प्रे कर लें, स्प्रे करते रहें एक से दो बार, तीन बार करें, एक से दो बार करें, आपको किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है। ओह वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, और इससे ज़ाहिर स्किन हाइड्रेट भी रहती है और यंग भी रहती है। जी सर क्या कहते हैं? जी सर इसमें बहुत अच्छी बात है, हमें नेचर की तरफ ही रहना चाहिए, जब तक हम नेचुरल अपने सिस्टम को ठीक नहीं रखेंगे डेफिनेटली स्किन उस तरह से नहीं होगी। आजकल का जो कि मौसम सर्द है तो इसमें एक मैं टिप देना चाहता हूँ जो कि ड्राई स्किन और ड्राई लिप्स के लिए बहुत ही, उससे डेफिनेटली आप खुद देख सकते हैं आज आपका मूड थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट वाज द रीजन। वो कहते हैं कि तूने कुछ भी ना कहा हो जैसे मेरे ही दिल की सदा हो जैसे, लोग यू देख के हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। अच्छा खैर छोड़े, पुटिंग दैट इशू साइड फॉर अ व्हाइल, हम कमिंग बैक टू द पॉइंट, इसमें आजकल चूंकि सर्द मौसम है इसमें एक तो अपने आप को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, पानी का इंटेक पूरा रखें नंबर वन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग कह रहे हैं। उसके बाद जो टिप है अपने फेस की ग्लो के लिए मैं आपको पॉइंट भी बताऊंगा, प्लस आपके जो बेली बटन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जब आप ड्राई रखते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको होती हैं। आप रात को एक तो मसाज करें अपने बेली बटन में, बच्चों को भी करें, खुद भी करें, और ये इतनी ज़बरदस्त टिप है जिसके ज़रिए आप, अच्छा इसमें
रात को हो गया, उसके बाद दिन में रखने के लिए उसमें ग्लासरीन या आप जो कॉटन है उसको डिप करके ऑयल में अगर उस पर लगा लें और उस पर टेप भी लगा लें, तो ये आई थिंक सारा दिन भी आपका रहेगा ऑयली रहेगा और आप खुद देखेंगे कितना जबरदस्त किस्म का इससे होगा क्या सर, इसका आपका फेस ग्लो, आपका ये जो जब हम अपनी माँ के पेट में थे ना सर, तो अल्लाह ताला हमें रिज्क यहां से इसके जरिए देता था। ये एक ऐसा गेटवे है जो कि पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स में जो आपकी इनकी वेन जाती हैं वो आपकी बेली बटन के जरिए जाती हैं। अगर आप इसको ड्राई कर देंगे तो इतने बड़े गेटवे को जिसके जरिए पूरी सिस्टम को फीड अल्लाह कर रहे थे, तो बेली बटन को बेसिकली आपने हाइड्रेट रखना है। यस बेसिकली आपने उसको सर, ओके ऑलराइट, दिस इज अनदर, इसमें मैं पॉइंट इसमें देना चाहूंगा लाइक स्किन ग्लो के लिए साथ ही पॉइंट्स हैं, तीन पॉइंट्स हैं, अगर आप उनको पॉइंट्स को आप एक्टिव रखेंगे तो डेफिनेटली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है, ये और फर्स्ट ये जो पॉइंट है इसको अगर आप प्रेस करें, ये करते रहें इस पॉइंट को, तो ये यस इस पॉइंट को आप प्रेस करते रहते हैं 30 सेकंड विंडोज में ले लेना, विंडो में ले लें, यस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इसको आप करेंगे नंबर वन। नंबर टू, आपका जो थंब है इसके अंदर वाली जो साइड है ये इसको आपने मसाज करते रहना है, मसाज करते रहना है, प्रेस करते रहना है, यस ये। और थर्ड जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो पाम है इसके बिल्कुल नीचे ये पॉइंट जो है ये, यस एक पाम के बिल्कुल नीचे ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीन पॉइंट है सर, कितनी मरतबा मसाज करना है? ये आप उनकी 30 सेकंड के लिए, एक दो मिनट के लिए कर सकते हैं, या जब बैठे हो आप करते रहे, एंटायरली अप टू यू। तो ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जिनके जरिए आपकी जो फेस है ये ग्लो करेगा, और एंटी एजिंग पॉइंट है ये मैंने बताए, एंटी एजिंग है। और मैं डॉक्टर शुमाला की तरफ जाता हूं। डॉक्टर शुमाला, इन्होंने बताया है ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर जो बेली बटन है अपने हाइड्रेट रखना है ऑयल के जरिए, और दूसरा तीन पॉइंट्स बताएं, प्रेशर पॉइंट्स बताएं जिसकी वजह से चेहरे पे ग्लो आ सकता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि चेहरे का ग्लो किस तरह से लाया जा सकता है? डॉक्टर साहब नहीं है, ऑलराइट, क्या मतलब गई? नेट चला गया, वेरी नाइस, ऑलराइट जी। तो कमिंग बैक टू यू, अच्छा अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जब हम ग्लो की बात करते हैं तो चेहरे पे लगाने वाले जो सीरम्स होते हैं वो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, और घर के अंदर ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती जिससे ग्लो आ सके, क्या ये दुरुस्त है, या घर की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके आप ग्लो ला सकते हैं? जी, घर की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अगेन क्योंकि वो टेस्टेड नहीं होती, लाइक अगर आप लेमन डायरेक्टली यूज़ करना शुरू कर देंगे स्किन के ऊपर तो इट्स एसिडिक, इट्स प्योर ऑर्गेनिक एसिड। जो सीरम्स मिलते हैं वो किसी तरह से वो ट्रीटेड होते हैं, और उनमें हाइलुरोनिक एसिड उन्होंने कुछ इस तरह से ऐड किए होते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाती है और वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा सूट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने यूज़ करना भी है, लाइक विटामिन सी इज़ द मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट जो हम अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं, और अगर इसको आप सन ब्लॉक के साथ यूज़ करें तो इट्स वेरी गुड। तो हमारे यहाँ मेडिकेटेड सीरम्स, इनकी डिफरेंट रेंजेस अवेलेबल हैं, तो कुछ बहुत सस्ते वाले